जैन शिकन जी का पूरा प्रकरण है और किस गिरोह का पूरा खुलासा होगा? ये 3 फरवरी को थाना टीपी नगर क्षेत्र अंतर्गत बाईपास पे स्थित जैन शिकन जी के एक आउटलेट के संचालक के साथ लूट की घटना बाइक सवार 2 बदमाशों के द्वारा कारित की गई थी। उसी गैंग के द्वारा उसी दिन 2 अन्य व्यक्तियों से मोबाइल भी छीने गए थे और 1 व्यक्ति से लूट का प्रयास किया गया था। एक ही दिन में 4 घटनाएं रिपोर्ट हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लिया गया। SSP मेरठ के द्वारा स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, इसके अलावा थाना टीपी नगर की टीम को इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए लगाया गया था। प्रो पुलिस टीमों के द्वारा जो है लगातार CCTV मुखबिर के माध्यम से प्रयास करते हुए आज इस घटना में शामिल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम नसीमुद्दीन है जो कि धौलाना थाना क्षेत्र का रहने वाला है और 1 विजय है जो कि जनपद मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला है। इन दोनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गई बाइक बरामद की गई है जिससे कि ये लूट की घटनाएँ कारित की गई थी। इसके अलावा जैन शिकंजी आउटलेट के संचालक से छीनी गई चेन और अंगूठी बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त छीने गए 2 मोबाइल को भी बरामद किया गया है और अवैध असलाह भी बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम के द्वारा किया गया यह कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। सर, जो घटना की गई है, ये गैंग कौन सा गैंग है? 4 घटनाएं एक दिन जो की गई है, उसी गैंग का सरगना कौन सा गैंग है? ये 2 व्यक्ति हैं इसमें, बेसिकली नसीमुद्दीन और विजय। ये पुराना एक मोनू और फुरकान गैंग यहाँ पे था, उसके मेंबर रहे हैं।